अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हमारी छुट्टियाँ तभी ख़त्म हो चुकी है, तो अभी हम हैं घर पर। और आज है एक स्पेशल डे जो आपको आगे व्लॉग में पता चलेगा वो क्या है, तो ये उस खुशी में बन रहा है। और मेरी आवाज़ थोड़ी भी बैठ चुकी है तो प्लीज़ बैर कर लीजिए। और ये सब मैं मिक्स करते हुए, तो चलिए बनाते हैं मालपुआ। और ये गया पैन में ढेर सारा घी। माशाल्लाह, इतना अच्छा इसके ऊपर पूरा घी इसके ऊपर आ गया है। और ये अभी मम्मी हो चुका है ऑलमोस्ट, अभी ये मम्मी निकालने की कोशिश कर रहे हैं। पर फ्रेंड्स, तवा बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका है और ये मेरा मालपुआ नहीं निकल रहा है। अभी तवा चेंज करना पड़ेगा। और ये आ गया हमारा पुराना तवा, ये वही कहावत हो गई ओल्ड इज गोल्ड वाली, नया वाला चला गया, बहुत ज़्यादा ही गर्म हो गया था तो मम्मी ने ये निकाल दिया। ये हमारा पुराना तवा है और होपफुली इसमें सब ठीक से बन जाए। ये एक और गया मालपुए का, इतना राउंड बन चुका है माशाल्लाह। देखिए कितने सारे ड्राई फ्रूट्स डाला है मम्मा ने इसके अंदर। अब वो क्यों डाला है वो आपको आगे पता चलेगा। देखिए ऑलमोस्ट पूरा पकना चाहिए, ऊपर से हल्का हल्का रहेगा तभी चढ़ेगा। और ये मम्मा भी इसको पड़ेगा। ओ बिस्मिल्लाह, देखिए कितना अच्छा हो गया, गोल्डन गोल्डन। अब इसको मम्मा निकाल देंगे। ये हमारे पैनकेक्स रेडी है, स्पेशल पैनकेक्स, क्योंकि इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स है। और अब तैयारी हो रही है सेकेंड स्वीट डिश की। ये हंडी चल चुकी है और घी भी चला गया है हंडी में। ये बन रहा है सेवई का जर्दा। ये गया घी, ये गई सेवैया। भुनी हुई सेवई होती है पर इसको हम घी में हल्का भून लेगा, अच्छा रहेगा। गाइस आप इसे हल्का ब्राउन होने तक भून लीजिएगा। और ये देखिए इस तरीके से, ठीक है, इसको भी हम निकाल लेते हैं। फिर से घी गया। और ये गई छोटी इलायची। और ये इलायची डाल दें घी में। अभी क्या डालें? सेट में हो जा। अच्छा वो उड़ेगा, इसके लिए मम्मी ने थाली रखी उस पे। और ये इलायची पानी और घी है इसके अंदर। अभी इसमें जाएगा मम्मी, इसमें क्या जाएगा? अभी चीनी, शक्कर जाएगा इसमें। ये मिठास ना अंदाजन मम्मी डाल रहे हैं, तो आप देख लेना आपके हिसाब से आप लोग। ये है
ये ड्राई फ्रूट्स डाला मम्मी ने, जो घी में हल्का सा तले ना, तले या भुने, तले हुए हैं। और ये सब बर्थडे स्पेशल डिशेस बन रही है सिर्फ और सिर्फ मुस्कान के लिए, क्योंकि आज उसका जन्मदिन है। हाँ, आज उसका बर्थडे, तो ये हमारे घर का रिचुअल जैसा है कुछ। हर किसी के बर्थडे पे स्पेशल मीठा ऐसा कुछ बनता है जो उनके पसंद का होता है। ये मालपुआ और ये सब मुस्कान का फेवरेट है। फ्रेंड्स, इसमें अच्छा सा उबाल आने तक हम लोग को इसको पकाना है। अभी इसको 5 मिनट के लिए ढक लेते हैं, ठीक है। तो गाइस, अभी आपको इसको 5 मिनट के लिए पकाना है स्लो फ्लेम पे। और ये देखिए, ये ऑलमोस्ट हो चुका है शायद। थोड़ा जल्दी जल्दी भगा रही हूँ क्योंकि बहुत लंबा हो गया था वीडियो। और अभी हम डिश आउट करेंगे सब चीज़ें। और ये खीर पहले से मम्मी ने बना के रखे थे, और ये मालपुआ। और अब आएगा स्पेशल डिश जो है कि स्पेशल मेन्यू, डेजर्ट मेन्यू। बिरयानी निकाल के रख। ये है मुस्कान का बर्थडे स्पेशल डेजर्ट मेन्यू। ये सब मुस्कान को पसंद है, जिसका बर्थडे आज। मुस्कान कुछ बोल। थैंक यू तो बोला। थैंक यू। थैंक यू। बस थैंक यू। मालपुआ में क्या क्या डाल रहे? ड्राई फ्रूट्स। आज मम्मी, मेरे मम्मी का और मुस्कान दोनों का बर्थडे है। हीना चालू भी हो गए खाने, फिर से आ गई हीना व्लॉग में। ये आ गई ना प्लीज, आइए देखो सारे सब एकदम। ये देखो बर्थडे गर्ल को, देखो क्या कर रही है, देखो इसको। अरे रुक जा, 2 मिनट। नफीस अब क्या कर रहे? ए ए ए She is eating खीर, don't disturb। ये देखो देखो भाई, देखो ये मुस्कान, ही ना लोग के हाथ पे। अच्छा, इन लोग को ना अभी अपना फेस नहीं दिखाना है, तो इसके लिए मैं लोग का फेस नहीं ले रही। और ये हमने ऑर्डर देके मंगवाया है। बिरयानी मेरी फेवरेट। आज मम्मी को जो बहुत अच्छी आ रही है। और फ्रेंड्स, ये आपके लिए, और आप भी इस रेसिपी को जरूर ट्राई करना और मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आपको ये रेसिपी कैसे लगी। हीना ने ना एक कुछ जोक मारी, हीना क्या बोली ना? आधा पहले मतलब मुस्कान, एक 2 किलो का आधा कम, एक पहले को आधा, अरे दो पहले आधा कम, बराबर ना, दो दो किलो का आधा दो। या 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 चुप। हीना क्या बोल रही थी, तू बोल। बिरयानी ना मैं पहले ऑर्डर किया ना, तो मैंने बोली कि 2 किलो का आधा कम, बराबर ना, 2 किलो का आधा कम, आधी पहली ऑर्डर किए 2 किलो।
क्या बोल रहे को समझ ही नहीं आ रहा। आधा किलो कम है, दो किलो का आधा किलो कम है ना, डेढ़ किलो का ही आधा पहले होता है। अच्छा तो ये बोल रही थी घुमा घुमा के क्या बोल रहा है। अरे पापा कुछ फ्रूट्स भी लेके आए थे मार्केट से, तो हम थोड़ा सेलिब्रेट करने के लिए जा रहे हैं बाहर, और हम जा रहे हैं मैकडॉनल्ड कॉजवे के मैकडॉनल्ड जा रहे हैं। और हमारी एक कज़िन भी आई हुई थी तो हमने उसको भी ले लिया, मैं उसको भी आपसे इंट्रोड्यूस करवाती हूँ। और चले, और हमारा स्कूल भी आएगा हमारा, इसलिए क्योंकि हम सब यहीं पढ़े हैं, हम सारे सिस्टर्स, जिसकी स्टडी इसी स्कूल से हुई है। तो चलिए दिखाते हैं आपको हमारी स्कूल। और ये हमारी स्कूल आ गई, हमारी स्कूल वाली गली है। ये कॉजवे का मैकडॉनल्ड है। अभी हम जा रहे हैं घर पर, और ये है कॉजवे जो अभी बंद हो रहा है, क्लोजिंग टाइम। तो गाइस मैं अपना व्लॉग अभी यहीं एंड करती हूँ। अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और कमेंट भी करना कि आपको मेरा व्लॉग कैसे लगा। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज़।